एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, बुरी नज़र से बचा के रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सारी दुनिया जानती है इस वक्त दुबई के लिए जो है फ्लाइट बंद है इंडिया से। एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो चुका है। मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बना के आप लोग कंप्लीट करूँ। देखिए, 5 मई को ये फ़्लाइट्स खुलनी हैं, ठीक है। ज़ाहिर है 3-4 तारीख को कमेटी बैठेगी, सिचुएशन को जो है एनालाइज करेगी, उसके बाद ये डिसीजन होगा कि फ़्लाइट्स ओपन होंगी नहीं होंगी। लेकिन देखें उसके रूट कॉज में जाए, फ़्लाइट्स बंद क्यों हुई थी? क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा एकदम स्पाइक आया था, ठीक है, और वो ही रीज़न आज तक है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे लोग YouTube पे वीडियोस डाल रहे हैं कि 5 तारीख को फ़्लाइट खुल जाएंगी, ठीक है, और जो है फिर लोग आ सकते हैं, फ़्लाइट्स बुकिंग शुरू कर देंगे एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। देखिए, अगर सिचुएशन यही रही ना, मैं आप लोगों को बताऊं, अगर 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख केसेस पर डे के हिसाब से आते रहे तो 5 मई तो बहुत दूर की बात, शायद 25 मई तक भी ये ना खुले, फ़्लाइट्स ना खुले, ठीक है। क्योंकि लोगों को बहुत ख्याल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सब ने मिल के कलेक्टिवली इन केसेस को नीचे लेके आना है। लॉकडाउन की सिचुएशन होगी, केयर करनी है बहुत ज़्यादा, मास्क पहन के रखना है, घरों में भी मास्क पहन के रखें। जब तक नंबर ऑफ़ केसेस रिड्यूस नहीं होंगे, जब तक कोई कंट्री भी जो है ना अपना बॉर्डर्स नहीं खोलेगा, एक चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, तो 5 तारीख को भी फ़्लाइट्स बहुत मुश्किल है अकॉर्डिंग टू मी। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, कोई बुरी खबर नहीं दे रहा यार, जो सिचुएशन है उस हिसाब से मैं आप लोग को अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज़ दैट वीज़े के बारे में बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे। ऑब्वियसली यार, एक कॉमन सेंस से देखें, अगर कंट्री के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, एक मिसाल है, ठीक है, और तमाम दूसरी कंट्रीज़ ने जो है बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं, फ़्लाइट्स क्लोज हैं, तो वीज़े कैसे मिलेंगे? कोई भी कंट्री जो है दुबई समेत वीज़े जो है इशू नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वीज़ा इशू करने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते वीज़ा इशू करने के बाद, तो इसलिए वीज़े भी टेम्परेली ऑन होल्ड हैं, मतलब रुके हुए हैं उस दिन तक जब तक के तमाम फ़्लाइट्स ऑपरेशन रिज्यूम नहीं कर देते, ठीक है, और जितने तमाम कंट्रीज़ हैं वो अपने बॉर्डर्स नहीं खोल देते कि अब तमाम फ़्लाइट जो है इंडिया से जाएगी। जिस तरीके से तकरीबन 15-16 कंट्रीज़ हैं जिसमें इंक्लूडिंग UK, USA, पाकिस्तान, सिंगापुर, ठीक है, और ये तमाम कंट्रीज़ और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने फ़्लाइट के सस्पेंशन, UAE, सऊदी वगैरह, ठीक है, तो ये कुछ अपडेट्स थी अभी तक, ठीक है। डिपेंड करता है, अभी एक हफ्ता है, 5-6 दिन है, ठीक है, नंबर ऑफ़ केसेस को हम सब मिल के दुआ करें कि वहाँ नीचे आए, ऑब्वियसली लोगों की जान से वो तो जो है यहाँ से फ़्लाइट्स ओपन होंगी, अदरवाइज़ कब तक के ये फ़्लाइट्स बंद रहेंगी, नो वन नो। सब बना बना के वीडियो डालते रहेंगे, लेकिन आप मेरी बात समझ लें, याद रख लें, दिमाग में बिठा लें, जब नंबर ऑफ़ केसेस नीचे आएंगे, जब ही कोई कंट्री जो है रिस्क लेने के लिए तैयार होगी, इतने बड़े नंबर ऑफ़ केसेस में कोई भी कंट्री कभी भी तैयार नहीं होगा फ़्लाइट्स ओपन करने के लिए। अब रहा सवाल वो लोग जो फंस गए हैं, ठीक है, वहाँ पर दुआ करें, कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कोई UAE गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कुछ मिलके कोई ऐसा इनिशिएटिव करे कि उन लोगों को वहाँ से निकाल ले जो ऑलरेडी यहाँ जॉब करते हैं, वर्क वीज़े के ऊपर थे, वेकेशंस के लिए गए हुए थे, ठीक है, उनको निकाल ले। अब रह गए वो लोग जिन्होंने विजिट वीज़ा ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था, 2-3-4 दिन में ट्रैवल करने वाले थे, विजिट वीज़े की वैलिडिटी 60 डेज़ होती है, उसके अंदर ट्रैवल करना होता है आपको, लेकिन अगर आपकी वैलिडिटी नज़दीक थी, आप एंड टाइम में ट्रैवल कर रहे थे, विजिट वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है ना, तो और वो एक्सटेंड भी नहीं होता, वो ज़ाया हो जाएगा। एक जनरल प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कोई एक चीज़ निकाल दें यहाँ पे कि वो लोग जिनका जो है वीज़ा एक्सपायर हो गया था उसकी हमने वैलिडिटी बढ़ा दी है, वो एक अलग चीज़ है, लाइक एमनेस्टी स्कीम टाइप की होती है, जो लोग यहाँ पे रह रहे थे वीज़ा ख़त्म हो गया था तो अब वो जा सकते हैं फ़ाइन बगैर पे करें, ये तमाम चीज़ें एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है, लेकिन जनरल बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें तो कोई भी मतलब वीज़ा वो एक्सटेंड नहीं होता, क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ। अभी देखते हैं होना क्या है, अभी देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, 5 तारीख को पता चलेगा कि 10 दिन के लिए इन्होंने जो है ये लगाया था, 10 दिन से अब ये मजीद 10 दिन और बढ़ेगा, 15 दिन और बढ़ेगा, कितने दिन बढ़ेगा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें, भाई का भी जो है दुआओं में याद रखें भाई को भी, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।